और ये वीडियो बना रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्टली आज का ब्लॉग बहुत एक्साइटिंग है। क्यों है यार, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गई यार, 99 रुपीज़ की सेल चल रही है। और कौन है, मतलब 99 की सेल, वो भी नेल एक्सटेंशन के ऊपर। भाई कौन ऐसा, सिर्फ एक इंसान है भाई दिल्ली में, तो सिर्फ वो एक बंदी है जो प्रोडक्ट्स को भी बहुत उसमें देती है, मतलब सेल करके 100 रुपीज़ के हुडा ब्यूटी के लैक्मे जो भी है, ठीक है। तो ये लेकिन नेल एक्सटेंशन हिट करने वाली बात थी दिमाग में, तो मैंने रजिस्ट्रेशन पहले ही वहाँ पे जाके करवा लिया है। अब आप लोग बोलोगे आप जा रहे हो तो प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह, गाइज मैं प्रोडक्ट वहाँ का मैंने कोई यूज़ नहीं किया, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वहाँ के प्रोडक्ट्स लेकर आऊँ। वैसे मेरे को कोई मूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं क्या रिव्यू दूँगी, मेरे को समझ में नहीं आती है चीज़ें, ठीक है। हाँ बट वहाँ के कुछ, मतलब मेरे को एक कस्टमर मिली थी जो वहाँ का प्रोडक्ट ले चुकी है, रिव्यू मैं आपको बाद में ये चीज़ें लास्ट में बताऊँगी। और हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की ट्राई करूँगी, मतलब बहुत अच्छा ट्राई करूँगी, क्योंकि यार वहाँ पे ना रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती है, ठीक है। और ये नेल एक्सटेंशन का क्या है प्रोसेस है, देखो वहाँ पे आप अगर आप अपने उसमें शिजल कॉर में लाइक बुक करने की ट्राई करोगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, उसका कोई नंबर काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को कृष्णा नगर यहाँ से जाना पड़ा, और 100 रुपीज़ जो 99 रुपीज़ का, उसका मैंने ऑलरेडी 99 की वो दी हुई है, मतलब एडवांस में पे करके आई हूँ मैं। तो गाइज लेट्स गो, क्या है वहाँ, कैसा है, बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर करूँगी आप लोग के ऑलमोस्ट डाउट्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं क्लियर कर पाऊँ। सो लेट्स गो गाइज। ये है शेजल क्वालिटी शॉप जो बहुत फेमस है, स्टिल यहाँ पे अभी इतनी भीड़ है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये तो पहले से तो बहुत कम है बट है।
हम बेवकूफ हैं क्यों है, क्योंकि हमें लग रहा है 99 रुपीज का वो बिल्कुल वैसा नील एक्सटेंशन है जैसे हमने पहले करवाए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जाकर आपको बहुत लेट डाउन फील होने वाला है और कुछ नहीं। बाकी हाँ वो 99 वाले जो मतलब सॉरी वो जो परमानेंट वाले हैं वो 800 के, जो आप एक नॉर्मल अगर आप वहाँ जैसे लाइक हम जैसे लोग दूर के बंदे हैं वहाँ पे हम इतना कन्विंस लगा के जा रहे हैं अपना, आई थिंक मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उतने में मतलब 1000 में तो मैं परमानेंट नेल करवा लूँगी, और अगर 1000 से भी ऊपर लाइक अगर लाइक आप एम्बियंस वगैरह से कराओगे तो 1200-1500, अभी दिवाली ऑफर चल रहा है आई गेस 1200 रुपये में आपके फ्रेंच नेल्स ईजली हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको नेल आर्ट करवाना होता है उसका आपको अलग पैसे देना होता है, इसमें भी सेम है, इसमें आपको 800 का हो रहा है उसमें आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे नेल आर्ट से, नेल आर्ट के। चलो ये बात अलग हुई, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, आप खुद देखो इस वीडियो में कि शेजल कौर क्या कह रही है कि 99 रुपीज की नेल एक्सटेंशन, ठीक है, और लड़की भी ऐसी दिखा रही है जिसने पूरा मतलब नेल आर्ट वगैरह कर रखा है, तो हमारी एक नॉर्मल जो कस्टमर होगा तो ये सोचेगा यार नेल मतलब 99 रुपीज में प्रॉपर नेल आर्ट मतलब सोचने वाली बात है, राइट। तो ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है आपको वहाँ पे बुलाने की और कुछ नहीं है, वहाँ पे जाके हर चीज़ पूरा सिनेरियो ही अलग हो जाता है। बाकी मेरा तो बहुत गंदा पोपट हुआ है, एक्सेप्ट करती हूँ। बाकी अब आप लोग सोच रहे होंगे ना एक प्रोडक्ट सीजल कॉर के प्रोडक्ट लाइक वो बोलती है ब्रांडेड होते हैं 100 रुपीज में, हुडा ब्यूटी का आपको फाउंडेशन मिल रहा है, ये सब वो सब। फर्स्ट थिंग मैं वहाँ पे गई, मेरे को एक भी प्रोडक्ट मतलब बहुत मैसी शराब बहुत रेयर प्रोडक्ट्स थे जो मेरे से कलर सेंस जो नाम सुना हुआ लग रहा था, फिट मी ये चीज़ें नाम सुने हुए हैं, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनका मुझे नाम दूर दूर तक पता नहीं था, लाइक 30-40 की रेंज में, ठीक है। आपको अभी शेजल कौर की ये वाली वीडियो में देखो, इसमें ये एक लिपस्टिक बता रही है जो 30 रुपीज़ की है, जो मेरे को वो मैंने परचेज भी करी है, ये लिपस्टिक ये 30 रुपीज़ की बता रही है, ये जस्ट कल की। और सेम चीज़ वो नेल एक्सटेंशन में आप जो टिप्स वाले सोच रहे हैं करवाने के, मतलब जो लोग सोच रहे होंगे 99 का, भाई साहब उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं उस टॉपिक पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो आज या कल आपका कभी भी निकल सकता है, बाकी आपके ऊपर। तो अब वापस हम इस वाले टॉपिक पे आते हैं लिपस्टिक, इसके मुझे सही लगी 33 या 30 रुपीज़ के, आप लोग मुझे पता नहीं आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, बट हाँ ठीक है, ये नहीं बोलूँगी बहुत बुरी है या ठीक है, बट ये जो ये ब्रांडेड वाला जो सीन है ना, इसका ऑनेस्ट बोलूँ इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है यार, एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है ये लिपस्टिक, ठीक है। बट यार वन मोर थिंग, एक चीज़ बतानी थी, जब मैं रजिस्ट्रेशन करवाने गई थी ना वहाँ पे एक लेडी थी, ठीक है, हम दोनों सामने शेयरिंग करी थी, तो हम मैंने उनसे बात करी थी, आप एक मिनट आपको बता सकती हूँ, आपको इस वीडियो में देख लो कि मैंने शेयरिंग करी थी इस लड़की के साथ। इस बंदी ने मेरे को एक चीज़ बताई कि शेजल कौर के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे मेकअप बेस मिल जाता है हमें 200 रुपीज़ तक, ठीक है, वो मतलब हम यूज़ करते हैं हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है, वो रियल नहीं होते हैं, ठीक है, ये कस्टमर रिव्यू है, ये मैं मतलब खुद यूज़ नहीं किया हुआ, जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ उसकी मैंने आपको रिव्यू दे रही हूँ,
बट ये उस बंदी ने मेरे को बताया कि अच्छे नहीं होते हैं प्रोडक्ट। और वन मोर थिंग, स्टाफ का बहुत बुरा बिहेवियर होता है ये सब, मैंने भी नोटिस किया है, ठीक है, ये अलग चीज़ हो गई। बट हाँ, ये चीज़ बात हुई लाइक कि हाँ, मतलब फाउंडेशन वगैरह तो मैंने ये सुना है कि अच्छे नहीं होते हैं, काफ़ी अच्छे नहीं, मतलब ब्लैक। अगर आप वहाँ पे महंगे प्रोडक्ट्स लोगे तो आपको अच्छे रेंज में मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे, मेरे इतना है। लेकिन आप वो चीज़ आप नायका वगैरह से मंगवा सकते हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप इतनी दूर क्यों जाओगे, बहुत सेंसलेस है। चलो ठीक है, बाकी मैंने आप उस कस्टमर का आपको रिव्यू बता दिया है कि हाँ, फाउंडेशन वगैरह अच्छे नहीं होते, जो सस्ते सस्ते होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मत लो। और अब आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन ऑर्डर, भाई साहब आप शीजल कौर की इतनी, ये सारी वीडियोस देख लो, ये सारी वीडियोस देख लो शीजल कौर की वीडियोस में सिर्फ, मतलब सॉरी, ये एक शाय नाम की और यूट्यूबर बंदी है, उस बंदी ने साफ बोला है कि मतलब उसने भी कि शीजल कौर की जो, भाई ये चीज़ तो है, वो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट रियल नहीं है, उसके फेक तो हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स। अगर आप एक बार बताओ, आप शीजल कौर के बायो पे देखोगे, आपको वहाँ पे वो साफ लिखती है कि अगर आप पैसे दे देते हो तो कोई मतलब पैसे वापस नहीं आएगा, प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं होगा। सबसे फर्स्ट थिंग जो सोचने वाली है आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सोचने वाली है। सेकंड थिंग क्या है, आप उसके कितने भी कमेंट पे देख लो, ये देखो कितने कमेंट पे आप, सॉरी कितने भी उसके पोस्ट देख लो, आप कमेंट नहीं, मतलब ऑप्शन है ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हम आइडिया लगा ही नहीं सकते कि ये बंदी क्या है, हम सिर्फ उसके पोस्ट को देख के हम वो हमें इन्फ्लुएंस करती है, हम होते हैं, दैट्स इट, ये है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मत लेना, जितनी वीडियोस रिव्यूज़ देखे हैं बहुत बकवास है, आप ये सारे रिव्यूज़ देख लेना, सब मेल बोल रखा है कि पानी है, टूटे हुए प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पैसे वेस्ट करने के लिए होने चाहिए। इससे अच्छा आप कुछ मतलब कोई ऐसी चीज़ क्वालिटी पे करो ना, लाइक नायका से कोई भी, नायका का 700 का फाउंडेशन आता है, नायका शील्ड करके कुछ है, वो यूज़ कर लो, लैक्मे के आते हैं, बहुत चीज़ें हैं यार, एटलीस्ट ब्रांड तो है ना। बस यही चीज़ है गाइस, बाकी ये लिपस्टिक एक ली है, ठीक है, इसका मुझे कब तक चलेगी पता नहीं, बट हाँ मुझे पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, काफ़ी क्या बहुत सही है यार, रुपये एक मिनट जस्ट भी। तो ये है, एक ये लिपस्टिक है, इसका मुझे कलर अच्छा लगा था, पता नहीं ये फेल है, मैंने क्या बोला, मुझे पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी, मतलब कौन सी कंपनी है, ठीक है। ये मेरे ऊपर न्यूड शेड है ये बिल्कुल, अच्छा नहीं लग रही है यार ये, देखो इसका ये है, ये फेस पे बिल्कुल ना सूखा सूखा सा, एक तो मुझे फील मैट है क्योंकि चलो ठीक है, बट इसकी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे होठों को खींच रहा है बिल्कुल। ये कब तक चलेगी मुझे ये नहीं पता, मैं कोई, देखो यार मैं शीजल कौर की दुश्मन नहीं हूँ, ठीक है ना, मुझे उस बंदी से पर्सनल कोई वो है, मैं बस आप लोगों को एक चीज़ क्या बताना चाहती हूँ कि अगर प्रोडक्ट लो, चलो आप कुछ लाइक हाँ शीजल कौर की कुछ चीज़ें लाइक वहाँ के फाउंडेशन लो, सॉरी नो फाउंडेशन नहीं, वहाँ के आई पैलेट्स मैंने देखे थे, मुझे काफ़ी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी लगी थी, ठीक है, बट वो भी 450-630 के ऐसे आ रहे थे, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, सच्चा था वहाँ से, मतलब इससे अच्छा तो आप कहीं और से ले सकते हो ना यार, जहाँ जो ट्रस्ट वर्दी हो थोड़ा, क्योंकि हमें मेरे को ट्रस्ट करने के एक मौका, मतलब कोई वो समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ वो हमें वीडियो पोस्ट से इन्फ्लुएंस कर रही है और कुछ नहीं, और ये जल रही है, जस्ट वेट, मैं इसको वो मिटा के आती हूँ या वॉश करके आती हूँ, अब बेटर फील हो रहा है। हाँ तो बस ये बोलना बताना था आप लोगों को, और क्या बताना था मेरे को आप लोगों को कि यार पैसे ऐसी जगह वहाँ के, हाँ आई पैलेट्स अच्छे होते हैं, मतलब पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी थी, एक दो की देखी है मैंने, पिगमेंटेशन अच्छी थी, पर ट्राई करने का कोई मूड नहीं, मेरे पास बहुत सारे हैं आई शेड्स, ठीक है, बस ये बोलना था आप लोगों को, ऐसी चीज़ें लो जो वर्दी हो, पैसे वेस्ट ना हो।
वहाँ के ब्रशेज वगैरह भी, मतलब कुछ तो मेरे को नाम नहीं समझ आ रहे थे, लेकिन हाँ सही है। लेकिन आप फायर से आपको 500 रुपीज़ का उसका मिल रहा है, लाइक मैट को क्या बोलते हैं, सॉरी मेबलिन का मिल रहा है। तो आप अगर आप जाके अमेजोन वगैरह पे देखोगे तो वो आपको ना कुछ सेल में 300-400 का मिल जाएगा, ठीक है, ब्लश वगैरह या कुछ भी है। और वहाँ क्या है, लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ मत करना। कोई कस्टमर मेरे, मतलब कोई वहाँ की बंदी, मतलब मैं उसको पर्सनली नहीं जानती थी उस कस्टमर को, बट उसने मेरी वो चीज़ बताई, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ बस आपको बताई है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लिया और ले भी नहीं, लेने का भी मन नहीं है, ठीक है। बस बाकी हाँ, वहाँ मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों होती है यार। सी इस वीडियो में खुद देखो यार, इतनी भीड़, मतलब मैं वहाँ पे अभी तो कल जब आज जब गई, इतनी मतलब नॉर्मल था, नॉर्मल ही था, पर नेल एक्सटेंशन में फिर से भीड़। सिर्फ 99 रुपीज़ के, वो भी सिर्फ टिप्स के यार, आप खुद खरीद सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर कोई भी इस वीडियो को लेके क्वेरी हो तो आप मेरे को मेरे डिस्क्रिप्शन में, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक है तो आप उधर मेरे को DM करके बता सकते हो, और कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई श्योरली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वन मोर थिंग गाइस, मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें ना लास्ट पर के पार्ट, मतलब कुछ प्रीवियस वीडियोस के जो मैंने एक्चुअली उसमें कॉपीराइट आ गया था ना, तो उसमें मैंने ना कॉपीराइट के चक्कर में उसकी लास्ट के जो वीडियोज है उसकी वॉइस चली गई बिल्कुल ही, तो थोड़ा सा कर लेना। बाकी थैंक यू।